सोमवार को बजट पेश होने के बाद विरोधी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार पर वार करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें सरकार क्यों दे रही है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए हो तो बेहतर होता है, क्योंकि देश के 130 करोड़ गरीब, मजदूर, वंचित और किसान अपने अमृतकाल को तरस रहे हैं। मायावती ने कहा कि पिछले 9 सालों में भी केंद्र सरकार के बजट आते रहे हैं, जिसमें घोषणाओं, वादों और दावों की बरसात की जाती रही है, लेकिन मध्यम वर्ग महंगाई और बेरोजगारी के कारण लो मीडियम वर्ग बनकर रह गया है। मायावती ने आगे कहा कि सरकार का ये बजट कम बातें ज्यादा है। पिछले साल की कमियां सरकार नहीं बताती और नए वादों की झड़ी लगा देती है। जमीनी हकीकत 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है। देश के लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं। मायावती ने कहा कि सरकार को जनता के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आम लोगों की जेब भर सके और देश विकसित हो सके। वहीं अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि ये बजट पूरी तरह से भाजपाई बजट है, जो महंगाई और बेरोजगारी दोनों को बढ़ाता है। भाजपा अपनी सरकार के बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब देश की जनता को पहले कुछ नहीं दिया हो तो अब क्या देगी। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये बजट चंद बड़े लोगों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।